हाय नमस्कार, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज मैं आपको लेकर आया हूँ सेक्टर 76 77, जहाँ पर डीएलएफ की डीएलएफ परवाना टाउनशिप है, वहाँ पर डीएलएफ लेकर आने वाला है डीएलएफ परवाना वेस्ट। पहले जो मार्केट में एंटिसिपेशन था, जो आपने कई ब्रोकर से बात करके आपको लगा भी होगा कि पहले डीएलएफ परवाना नॉर्थ लेकर आने वाला था, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अब वो नॉर्थ ना लाकर वेस्ट लाने वाला है। बात करूं मैं लोकेशन की, तो अगर आपने परवाना साउथ देखा हो, जो कि बिल्कुल मेरे अपोजिट साइड में है, जस्ट उसके ठीक अपोजिट साइड में ही जो ये साइट लगती है, ये है आपकी परवाना वेस्ट। बात करूं मैं प्रोजेक्ट की, तो 14.5 से 15 एकड़ का ये लैंड बैंक है, जिसके अंदर आपको 800 के आसपास अपार्टमेंट्स मिलते हैं। स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्पेसिफिकेशन सारी आपकी वैसी ही है जैसी आपको डीएलएफ परवाना साउथ के अंदर मिली थी। आपको G+42-44 का स्ट्रक्चर मिलता है। इसमें आपको जो टावर्स है वो 5 मिलते हैं, आपके साउथ में 7 टावर्स थे। और अच्छी बात क्या है कि जो इसमें टावर्स है वो एक ही लाइन में है। साउथ में अगर आपने देखा होगा तो 6 टावर्स जो थे वो एक लाइन में थे, और जो 7वां टावर था, जिसको टावर जी थोड़ा सा प्रीमियम करके बेचा गया था, वो आपका थोड़ा सा फ्रंट में लगता था। अरावली का आपको पूरा व्यू यहाँ से भी मिलता है, आपको एक साइड पूरी फेसिंग जो है अरावली की मिलती है, दूसरी तरफ का जो व्यू है वो आपको सिटी फेसिंग मिलता है। ऑलमोस्ट वही व्यू आपको वेस्ट से मिलता है जो आपको परवाना साउथ में मिला था। स्पेसिफिकेशंस भी वैसी है जैसे मैंने आपको बताया, 4 BHK की जेंट्री रहेगी, 4 BHK का जो साइज़ रहेगा वो 3577 स्क्वायर फीट, जो 3577 आपका साउथ में था, ऑलमोस्ट वही साइज़ आपको यहाँ मिलता है। टॉप के जो अपार्टमेंट्स हैं वो एज ए पेंट हाउसेज आपको मिलते हैं, तो वही स्पेसिफिकेशंस है। कंस्ट्रक्शन जो है आपका, वो आपका सेसेमिक जोन 5 के अकॉर्डिंग होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर डीएलएफ ने जो पूरा परवाना है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके बड़ा ही अवेयर रहे हैं। यहाँ पर सेसेमिक जोन 5 के अकॉर्डिंग ही हर प्रोजेक्ट उनका आएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है उन होम बायर्स के लिए जो यहाँ पर डीएलएफ के अंदर घर खरीदना चाहते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो लोकेशन बहुत ही प्रीमियम है। सेक्टर रोड है ये 84 मीटर वाइड रोड, इस पर आपकी ये प्रॉपर्टी पड़ती है, तो मेन आपकी सेक्टर रोड से एंट्री रहती है। NH8 जो है, जिसको आप लाइफ लाइन भी कह सकते हो, बिल्कुल आपके 200 से 300 मीटर पे आपका, अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपका NH8 200 से 300 मीटर पे आता है। मोस्ट टॉक्ड अबाउट लोकेशन CPR द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अच्छी बात क्या है कि DLF यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर से एक एलिवेटेड फ्लाईओवर लेकर आने वाला है, जो कि सीधा CPR में कनेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए जिनको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी चाहिए, एक अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ के बारे में मिस्टर आकाश ओहरी ने, जो परवाना साउथ का सक्सेस पार्टी हुई थी इनिशियली, उसमें बताया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी न्यूज़ है जो आपको डायरेक्ट आपको CPR के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कराती है। 120 एकड़ की ये टोटल रेजिडेंशियल लैंड है DLF के पास, जहाँ पर ये 4 फेज 5 फेज में लेकर आएंगे अपना पूरा रेजिडेंशियल। आपको यहाँ पर एक से एक प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी, और जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगले 2 से 3 साल के अंदर ये पूरे का पूरा जो लैंड बैंक है ये सोल्ड आउट हो जाएगा। इसके अलावा DLF यहाँ पर 63 एकर्स में मॉल ऑफ इंडिया लेकर आने वाला है। ये सबसे बड़ा मॉल होगा दिल्ली NCR के अंदर, और अच्छी बात यह है कि DLF पूरे का पूरा मॉल अपने पास रिटेन करेगा, उसमें एक भी स्क्वायर फीट एरिया नहीं बेचेगा। और उसमें एंटिसिपेशन कुछ ऐसा है, जैसे आपका DLF प्रोमेनाड हो गया, एम्बियंस हो गया, आयरिया मॉल हो गया, इस तरह के जो ब्रांड्स है, ए ग्रेड ब्रांड्स है, उसको यहाँ पर लेकर आएगा। तो अगर उस तरह के ब्रांड्स DLF यहाँ लाने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये एक आपका डेस्टिनेशन रिटेल मॉल बन जाएगा। गुड़गांव से तो छोड़िए, आपके दिल्ली NCR से लोग आएंगे स्पेशली इस लोकेशन के ऊपर। तो आप सोचो, उस लेवल के प्रीमियम ब्रांड जब आप पे बिल्कुल बगल में आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन है अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर DLF साइबर सिटी 2 लेकर आएगा। जैसे साइबर सिटी 1 ने DLF फेज 2, DLF फेज 3 को एक बहुत ही अलग लोकेशन बनाया, द सेम वे DLF साइबर सिटी 2 यहाँ पर लेकर आएगा, और वो बेटर देन DLF साइबर सिटी 1 होगा। तो कहीं ना कहीं जब आपके MNC टेनेंट्स यहाँ पर आएंगे, अच्छी कंपनीज यहाँ पर आएगी, और DLF का अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा हो, तो फॉर्चून 500 के टेनेंट्स मैक्सिमम DLF के ही कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं। तो जिस लेवल के वहाँ पे टेनेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो जेंट्री होती है, जो आपका पे स्केल होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं
उन लोगों के लिए जो आपका पहला प्रेफरेंस बनेगा वो डीएलएफ परिवाना ही बनेगा, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी में एक बूम लाएगा, कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा अगर मैं अभी हाल फिलहाल में बात करूँ तो अमेरिकन एक्सप्रेस का यहाँ पर एक कैंपस बना है जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। 10 से 15 हज़ार इम्प्लॉयज़ उसके अंदर आएंगे। उसके अलावा एयर इंडिया ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया लीज आउट किया है। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुकी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका पीछे रीज़न है, गुड़गांव जो बसा है वो आपका जो एप्रिसिएशन जितना भी हुआ है वो मेनली उन उन लोकेशंस पे ज़्यादा हुआ है जहाँ पर आपका कमर्शियल ऑफिस स्पेस या रिटेल स्पेस बहुत ही अच्छे लेवल पे ऑक्यूपाई हुआ है। सबसे पहले आप एमजी रोड देख लीजिए, साइबर सिटी 1 आया था, तो कहीं ना कहीं जो आसपास की लोकेशंस थी, डीएलएफ फेज 3 2 1, आपका एमजी रोड, वहाँ पे ज़बरदस्त एप्रिसिएशन आया था प्रॉपर्टीज़ के अंदर। उसके बाद आपका जो कमर्शियल मूवमेंट हुआ वो हुआ आपका गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए, एक से एक महंगी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हुई। उसके बाद वही कमर्शियल मूवमेंट आपका हुआ एक्सटेंशन रोड के ऊपर। पिछले 4-5 साल के अंदर एक्सटेंशन रोड पे आप प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस देखो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के, तो बहुत ही अच्छे बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ पर आपका कमर्शियल मूवमेंट होता है वहाँ पर जो प्राइस एस्केलेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका परमानेंट होता है और कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होता है। अदरवाइज़ वो एक बूम होता है कि वो आया लेकिन आप आसपास कोई चीज़ें नहीं हैं, तो जब टाइम अच्छा तो बूम आया, और जैसे ही वो टाइम थोड़ा सा नीचे ख़राब हुआ तो वैसे ही वो पूरे का पूरा जो गुब्बारा होता है फट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका कमर्शियल मूवमेंट होता है वहाँ पर जो आपका एप्रिसिएशन है वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक होता है। सो कमिंग बैक टू परिवाना वेस्ट, बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। चांसेस ये है कि मार्च के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी लॉन्च हो जाएगी। और अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो जब टिकट साइज़ की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो टिकट साइज़ है वो ऑब्वियसली 6.5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में है, जो कि काफ़ी बड़ा टिकट साइज़ है। लेकिन जब हम बात करते हैं पर स्क्वायर फिट की, तो अगर आप आसपास की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर लोकेशन पे या थोड़ी इससे ऑफ लोकेशन पे अगर आप कंपेयर करोगे तो उनके प्राइसेस पर स्क्वायर फिट ज़्यादा है, डीएलएफ के प्राइसेस कम है। टिकट साइज़ ऑल्दो थोड़ा सा हैवी साइड पे है, लार्जर साइड पे है, लेकिन जो पर स्क्वायर फिट प्राइसेस है वो आप चाहे शोभा से कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप गोदरेज से, चाहे आप कृसुमी से कंपेयर कीजिए, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस डीएलएफ के अच्छे रहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको 3 कार पार्किंग मिलती है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो 15 एकड़ है उसके अलावा 1 एकड़ में क्लब हाउस भी मिलता है, तो बहुत सी एमिनिटीज़ आपको डीएलएफ के अंदर एक्स्ट्रा मिलती है। तो अगर आपने परिवाना साउथ में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो परिवाना वेस्ट में आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। कैसे, क्या प्रोसेस है, उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे विच आर मेंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन, उन पे कॉल कर सकते हैं, और जो भी प्रोसेस होगा हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट डीएलएफ परिवाना वेस्ट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।